बेबी एक प्रॉब्लम हुई है। क्या हुआ? मैंने कॉफी ऑर्डर करने से पहले उसका रेट पूछा नहीं है और यहाँ कोई मेन्यू है नहीं। लाए थे ना? हाँ। उतने की है कॉफी। मैं उसको बोल दूँ वी आर एलर्जिक टू कॉफी, सॉरी कैन वी रिटर्न इट बैक, प्लीज टेक द कॉफी बैक। तुम्हारी ऐसी एलर्जी निकालेगी ना, उसको दिखा दूंगा ना जो एलर्जी हुई पड़ी पैर में, ये लाल रखा है ना पैर, मैं बोलूंगा आपकी कॉफी से ही हो गया। तो जी हम लोग रूम से थोड़ा सा रेस्ट करके आ गए, मेरी बेबी ने रेस्ट किया, मैंने जकूजी में हाथ पांव का चड्डा पहन लिया, मेरा चड्डा पहन लिया, मैंने हाथ पांव से लिए जकूजी में गर्म पानी में और आ गए हम नीचे कॉफी एंजॉय करने। और जो व्यू है ना, मतलब कॉफी का चार्ज कम से कम 1,00,000 रुपए होगा। है तो नहीं, देखो जरा कितना है। ये देखो आप, ये ठीक है, ये तो हम लोग कहीं समुंदर पे ही पीलेंगे, लेकिन व्यू तो देखो अच्छा है। इधर से पता करें, इधर से ना मार्केट चलते हैं, वो वाली मार्केट है ना, जो कौन सी मार्केट, वो देखो ना वहाँ पे कौन सी मार्केट है, वहाँ पे देखो, वो देखो ये जगह तो दिख रही है ना, आईकॉन सी एम, आईकॉन सी एम में ये मार्केट नीचे कौन सी है, बोट पे लगी हुई है जो। हाँ। अच्छा बोट पे जो मार्केट लगी हुई है, जा सकते हैं, जा सकते हैं, क्या व्यू है बेबी, मजा आ जाएगा यहाँ से कॉफी पीने में। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे अब जाने का वक्त आ रहा है ना वापस, मैं आपको बता दूँ कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो अभी तो मैंने बुखार की दवाई खाई है, अब नाश्ते में को बुखार की दवाई दी है, बुखार आ गया था मेरे को, बट अभी बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन ये बुखार दोबारा से लौट के कब आ जाएगा मुझे पता नहीं, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रही हूँ, टू मच एग्जर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्जर्ट हो चुकी हूँ मैं। एंड एज यू नो कि मेरा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, उसकी मेरी अलग मेडिसिन चल रही है, तो उस वजह से भी शायद मैं यू नो बहुत लो फील कर रही हूँ, लेकिन आज देखो आज तो कम है, फिर भी सूजन, आज सूजन एक्चुअली सबसे कम है, जितने दिन हम यहाँ रहे हैं ना सबसे कम सूजन आज है, शायद दवाइयों का थोड़ा थोड़ा असर शुरू हुआ है। तो कहाँ लेके जाएगा? मार्केट, नाइट मार्केट। कैंडी चेरी फॉर मी इट इज लिटिल स्ट्रॉन्ग, या नो इट्स फाइन, नो इट लुक्स गुड, दिस लुक्स नाइस, थैंक यू। इसको अगर फ्री में दे देते तो और भी बड़ा थैंक्स करती मैं, लेकिन इसके पैसे बहुत ले लिए। बेबी मजा आ गया, दिस इज इट, से थैंक्स टू मी, मैंने बोला था, मतलब अब ये चले गया ना, थैंक्स मेरे को कहो, मैं तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ जिंदगी में। तो झूठा रिलेशनशिप ऐसा ही होता है कि आपको थैंक्स बोलना होता है, फिर आप एक दूसरे के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हो, अच्छा फिर आप माथे पर पप्पी लेते हो, ये झूठे हाँ। रिलेशनशिप की निशानी है, पता है ना, करो ना फिर यही तो कह रही, करो ना हाथ, फिर आप यूं हाथ करते हो, फिर आप हाँ, जो भी ये दिखाता है ना वो समझ लो उसका रिलेशनशिप एकदम झूठा, एकदम खाली है, मैं आज तक किया है, ये है रियल रिलेशनशिप। बेबी एक प्रॉब्लम हुई है, मैंने कॉफी ऑर्डर करने से पहले उसका रेट पूछा नहीं है और यहाँ कोई मेन्यू है नहीं, लाए थे ना हाँ, उतने की है कॉफी। मैं उसको बोल दूँ वी आर एलर्जिक टू कॉफी, सॉरी कैन वी रिटर्न इट बैक, प्लीज टेक द कॉफी बैक। तुम्हारी ऐसी एलर्जी निकालेगी ना, उसको दिखा दूंगा ना जो एलर्जी हुई पड़ी पैर में, ये लाल रखा है ना पैर, मैं बोलूंगा आपकी कॉफी से ही हो गया। मैं क्लेम करूंगा, आई वॉन्ट 5,000 बाथ बैक एज फाइन, वो कहेंगे 10,000 की तो कॉफी है। ये वही क्रूज है बेबी, पता है जिस पर हमने लास्ट टाइम डिनर किया था, पता है, कहीं ऐसा तो नहीं आज भी हमारी इसकी बुकिंग थी, हमें पता ही नहीं। तो जी होटल से निकल के हम लोग आ गए हैं, बोट का पता करने, क्योंकि अगर बोट मिल गई तो उस जगह पे जा सकते हैं जो हम लोग होटल से देख रहे थे। तो अभी छोटी गलियां चौबारे क्रॉस करते हुए आई डोंट नो कहाँ पे आ गए हैं हम लोग, ये सही जगह जा रहे हैं बेबी? हाँ हाँ, आगे बोट मिलेगी। ओके, तो ये हमारा ही होटल है क्या, शंग्रीला ही तो है? हाँ, लेकिन बात ये है कि अभी नहीं, शंग्रीला कुछ और नहीं, अपार्टमेंट है, कह रहा हूँ कि जहाँ हम बोट पकड़ के जाएंगे वो जगह कितनी हैपनिंग होगी हमें नहीं पता ना। लेट्स सी यहाँ भी मार्केट है, और ये तो पूरा स्ट्रीट फूड मार्केट है, ये तो मार्केट है, जाते जाते यहाँ से खाते हुए जा सकते हैं, अंदर भी देखो पूरा वैसे ही है ये, जैसा फुकेत में था। तो जी ढूंढते ढूंढाते हम लोग बोट तक पहुँच गए हैं, अभी अभी मालूम पड़ा है कि फ्री है ये, ऐसा कैसे, 15 मिनट वेटिंग है, चलो ठीक है, बारिश हो रही है। फाइनली एक दिन तो बारिश हुई, जल्दी जल्दी जल्दी, जिस दिन हम अपना बैग रेनकोट वगैरह कुछ लेके नहीं आए ना उस दिन बारिश हो गई, आज सब कुछ होटल में छोड़ के आए हैं, लेकिन लगा ही नहीं था ना बारिश का, तो दूर दूर तक नहीं लग रहा था, देखना गड्ढा है, अरे जल्दी जल्दी बारिश बारिश बारिश, ओ माय गॉड, टू मच रेन, कम 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 बेबी कम, लेट्स गो सांगरीला, कम जल्दी जल्दी जल्दी, पूरा गीले हो गए जल्दी,
इनका तो बाथरूम ऐसा था मन किया ब्लॉग बना लूं, है ना? वॉश बेसिन देखा? हाँ, बहुत सुंदर। तो जी हम बेसिकली आ गए हैं मॉल में जिसका नाम है आइकॉन सीएम, और बड़ा ही अलग मॉल है। सुख सीएम नहीं, नहीं सुख सीएम नहीं, आइकॉन सीएम। सब कुछ कितना सुंदर सजाया हुआ है, देखो अलग अलग मूड और थीम क्रिएट किया हुआ है। ओ, उल्लू तो रख सकते हैं, उल्लू शुभ होता है, लेकिन इसमें कुछ रखने के लिए है? उल्लू शुभ होता है, लेकिन जितना ये शुभ, ये हमारा अशुभ है। क्यों? जितना पैसे ले रहा है ना उल्लू के। नहीं, लेकिन उसमें है कुछ चाबी वाबी रखने के लिए? केस है क्या, खुलता है क्या उल्लू? नहीं कुछ नहीं है, कुछ लकड़ी का उल्लू है बहुत। देखो चीजें सुंदर है, बट उतना ही प्राइस है इसका। उल्लू के मैं इतने पैसे नहीं दे सकती। अरे भाई ये क्या बनाया हुआ है? अरे की कर रही हूँ, गिर जाएगा फोटो। डिमसम ले लिया हमने, बहुत ज्यादा फ्राई है क्या, तेल बहुत ज्यादा? नहीं नहीं, बैठ जाए कहीं, खा के बताओ कैसा है। तो ये मॉल बड़ा स्ट्रीट वाला फील दे रहा था, स्ट्रीट शॉपिंग, स्ट्रीट फूड। और जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर पे आए, वाइब बदल गई, सारे A1 ब्रांड्स। मतलब ऊपर लग रहा है कि कोई दूसरा मॉल है, नीचे हम किसी और मॉल में थे। नहीं, बहुत अमेजिंग मॉल है, नीचे वाइब ही अलग है, ऊपर पूरी वाइब अलग है। जल्दी आओ, बोट चली जाएगी। तो जी हम लोग किसी तरह सही रास्ते से निकलते हुए, सही रास्ता ढूंढते हुए मॉल से उसी एग्जिट से आते हुए वही बोट पकड़ के उसी जगह पे वापस आ गए, कोई भूल चुक नहीं की है। और बारिश अभी तक वैसे ही झमाझम हो रही है, अभी सोच रहे हैं यहाँ से अपने होटल तक कैसे जाएंगे। जान बची सुलाख हो पाए, लौट के दो इंडियन थाईलैंड में अपने होटल को आए। आ गए जी, आ गए हम, पूरे भीग के आ गए, पूरे भीग के। कोई जब गए थे इतना सा भी अंदेशा नहीं था कि ऐसी बारिश होगी, और आए हैं तो पूरे भीगे। जब से आए बारिश का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर लगा कि होती नहीं है शायद, और हुई तो ऐसी हुई कि भाई पूछो ही मत। बच्चे डर जा रहे हैं बाहर, बिजली कड़क रही, तो इधर नहीं बेबी इधर है। आंगनबाड़ी तो तुम भी गई थी ना, वहाँ गिनती तो सीखी होगी। अरे एसी किसने चलाया हुआ है? अरे रे रे, एसी बंद करो भाई साहब, एकदम ऑफ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है थाईलैंड का लास्ट डे, और हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है, चेकआउट भी हो चुका है, और सारा चेकआउट करा के लगेज यहाँ दे के मैं आ गया हूँ लॉबी में कॉफी शॉप पे, क्योंकि संभावना यही मेरा वेट कर रही है। और यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे, एक मॉल बजा है वो कवर करेंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे 2 घंटा अगर कुछ मिला तो, और फिर वापस आएंगे और यहाँ से अपना लगेज पिकअप करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो आज की प्लानिंग ये है, लेकिन आज इतना कुछ पैक करना था ना कि मैं व्लॉग नहीं कर पाया, बिकॉज मुझे 2 से 2.5 घंटे पैकिंग में लगे हैं। ये री संभावना पकड़ लिया मैंने, पकड़ा गया। ओ यार इतना मेरा पकड़ा गया। बीबी तो कितना क्यूट लग रहा है। ये तुमने इसलिए किया ना क्योंकि तुमने पैकिंग में मदद नहीं कर पाई हो मेरी। मैंने कर लिया, जितनी कर पाई हो सकी मैंने उतनी की। और मतलब तारीफ, हर तारीफ का मतलब यही है कि मतलब मैंने ये नहीं किया इसलिए ये किया। तो जी कॉफी पी के हम लोग बैठ गए गाड़ी में, और हम लोग जा रहे हैं MBK सेंटर, और यहाँ से 12 मिनट का रास्ता। बारिश फिर से शुरू हो गई हमारे निकलते, हमारे जाते जाते इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। खैर एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि बारिश में घूमना और भी मुश्किल हो जाता हमारे लिए। लेकिन अभी हमारे पास जितना भी टाइम है वो है 3 घंटे टोटल, 3 घंटे निकले एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट पे जाके आराम करेंगे। अब नेक्स्ट कॉफी एयरपोर्ट पे पियेंगे हम, बीच में बोलना मैं बोलूंगा, वादा करो। जी मैंने ये 2 टम्बलर्स लिए हैं, इसके साथ कवर्स भी ले लिए मैंने, ये देखो, एक ये लिया है और एक ये लिया है। मतलब ये कवर हैं, टम्बलर अलग हैं ऐसे हैं। तो जी हम लोग आ गए एडिडास के स्टोर में, और सस्ती शॉपिंग करते करते महंगी दुकान में घुसाए हैं, तो एक चीज पसंद आ गई है। मैंने तो कुछ भी, जितनी भी चीजें ली है फालतू की चीजें ली है, लेकिन अविनाश ने फाइनली एक जूते लिए हैं जो कि मुझे बहुत, मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आया, आप उनको पसंद आएंगे। आई फील एडिडास का जो आर्टिकल है ये इंडिया में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई रियली लाइक, ये शूज मुझे बहुत पसंद है। 3 कलर है ना, ऑरेंज, ब्लू और येलो। उधर घुमाओ बीबी, आपको नहीं मिलेगा ये, आपको ये नहीं मिलेगा यार, ये तो तुम लोगे ही लोगे। तो ये जूता थोड़ा महंगा है, तो वही इतनी देर से नहीं, आप महंगा ये डिसाइड कर रहे थे कौन सी एफडी तोड़ी जाए। आ रहा है साइज दूसरे स्टोर। वी नीड टू लीव, मेरे को शूज बहुत पसंद आए, इसलिए कलेजे पे पत्थर रख के मैं इनको ले रहा हूँ। कलेजे पे पत्थर रखने की जरूरत नहीं है, तुम ये ले रहे हो इनके साथ, इसको ये बोलेंगे ना बॉटल ले रहे फ्री। हाँ डिस्काउंट नहीं दे रहे, कम से कम बॉटल तो दे, नहीं बास्केटबॉल मांग लो। ऊपर माइकल जॉर्डन का कितना अच्छा वो बना रखा है इन्होंने पतला। हाँ
ये तुमने कौन सा साइज लिया? अभी ये ऐसा लग रहा है लूज है, बट आई थिंक यही बेटर है। देखो दोनों दोनों में चल के देख लो, पहन लो एक पैर में, एक बड़ा पहन लो एक छोटा पहन लो और दोनों में देख लो क्या बेटर लग रहा है तुमको। बाद में ये बेबी ये खुलते भी है ना फिर जूते। चलो फाइनली अविनाश ने वो चीज ली जो मेरी फेवरेट थी, ये मेरी चॉइस है। मैंने कहा अविनाश को लेने के लिए, ये लेता नहीं, ये यही करता रहता कि मैं लूं अपने लिए कि नहीं लूं, लूं अपने लिए कि नहीं लूं। अब ये नाच नाच के देख रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो चलो बीबी, टाइम भी हो रहा है, फटाफट पैक कराओ। अब क्या लग रहा है? एक फाइनल कंफर्मेशन। जाओ चल के आओ वहां से। ओके हैं? यस यस। चलो मेरा बेबी फाइनली खुश होगा जूता लेके, है ना? मैं कभी ले नहीं पाता, पता है अपनी अपनी मर्जी से। मुझे दो चार लोग का अप्रूवल लगता है महंगी चीज लेने में। थैंक यू। जी हम लोग निकल चुके हैं होटल की तरफ, और होटल में जाते ही सामान उठाना है और एयरपोर्ट निकल जाना है। हमारी लास्ट टुक टुक राइड हो रही है और इस